संख्या 81 और प्रश्न यहाँ पे यह कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है, और यहाँ पर जो है कूट का प्रयोग करके इसमें से जो है सही उत्तर बताना है। पहला कथन इसमें यहाँ पर यह कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो यहाँ पर जो है पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, पहला कथन यदि सही है तो यहाँ पर विकल्प बी गलत हो जाएंगे, विकल्प डी गलत हो जाएंगे। दूसरा कथन ये कह रहा है कि संविधान के तहत 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली के विकल्प यानी कि ऑप्शन इसमें दिया गया है कि द्विस्तरीय प्रणाली भी वहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। और यदि दूसरा कथन सही है तो विकल्प ए जो है इसमें गलत हो जाएंगे, विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा कि 1 और 2 जो है दोनों सही है। ऐसे राज्य जिसकी जनसंख्या जो है 20 लाख से अधिक नहीं है वो मध्यवर्ती स्तर पर यानी कि बीच वाले स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का भी विकल्प चुन सकता है, और इस प्रकार जो है वहाँ द्विस्तरीय जो है प्रणाली हो सकती हैं, इसलिए जो है ये दोनों विकल्प सही हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला है प्रश्न संख्या 82 और प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है आंचलिक परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन ये दिया गया है कि ये एक सांविधिक निकाय है, तो क्या ये एक सांविधिक निकाय है? तो बिल्कुल ये एक सांविधिक निकाय है। क्यों सांविधिक निकाय है? क्योंकि इसका जो गठन हुआ है वो विधि द्वारा हुआ है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है यह एक गठित सांविधिक निकाय है, और ये केवल परिचर्चात्मक और सलाहकारी निकाय है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, राज्य के संचेतना की वृद्धि करना और राज्यों के मध्य सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना। इस प्रकार जो है पहला कथन इसमें सही है, और यदि पहला इसमें सही है तो विकल्प बी और विकल्प डी गलत हो जाएंगे। दूसरा कथन ये कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री प्रत्येक आंचलिक परिषद का अध्यक्ष होता है, तो बिल्कुल सही बात है, केंद्रीय गृह मंत्री जो है प्रत्येक आंचलिक परिषद का जो है अध्यक्ष होता है। यहाँ पर दूसरा कथन सही है तो विकल्प ए गलत हो जाएगा, यानी कि सी जो विकल्प है ये सही है कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसके अलावा उपाध्यक्ष भी इसमें होते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो प्रत्येक आंचलिक परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री और चक्रीय पद्धति से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस अंचल की आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में ये मुख्यमंत्री काम करते हैं। उसके बाद इसमें सलाहकार भी शामिल होते हैं, तो जो कि योजना आयोग से जो है मुख्य योजना आयोग के लेवल के जो है मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी होते हैं, विकास आयुक्त वगैरह शामिल होते हैं। उसके बाद बात करें तो मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से गवर्नर द्वारा नामित जो है 2 अन्य मंत्री होता है, और अंचल में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्र से 2 सदस्य। एक तो मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा 2 मंत्री, और उसके बाद जो है संघ राज्य क्षेत्र से 2। इस प्रकार जो है ये जो है इनकी संरचना होती है आंचलिक परिषद की। इस प्रकार जो है यहाँ पर दोनों कथन सही है तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि सदन के नेता के पद का उपन निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है? तो सदन के नेता पद का जो उपबंध है वो निम्नलिखित में से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत किया गया है। इस भारत के संविधान में जो है इसमें इसके लिए इस पद का जो है प्रावधान नहीं दिया गया है, और यहाँ पर जो है संसदीय विधि द्वारा भी नहीं, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बी जो है इसका सही उत्तर है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के तहत जो है प्रधानमंत्री को यानी कि पीएम को, यदि वह लोकसभा के सदस्य हो, अथवा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किसी मंत्री को जो कि लोकसभा का सदस्य हो, सदन के नेता के रूप में उल्लिखित किया गया है। इसी प्रकार राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषय के नियमों के तहत राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह एक मंत्री और राज्यसभा का सदस्य होता है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, और विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषय के नियम के तहत जो है सदन के नेता पद का उपबंध किया गया है।
अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 और प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि यह समिति संबंधित मंत्रालयों या विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करती है, यह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है और बजट पर बहस में सहायता करती है। समिति के सदस्य दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों यानी कि अध्यक्षों द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। उपयुक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का वर्णन जो है किया गया है। तो यहाँ पर जो है उस समिति के बारे में पूछा जा रहा है जो कि विभागों के जो है अनुदान होते हैं उस पर विचार करती है, कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, बजट में बहस में सहायता करती है और इनको जो है दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये बात हो रही है विभागों से संबंधित अस्थायी समिति के बारे में और इसका जो सही उत्तर होगा वो विभागों से संबंधित अस्थायी समिति होगा यानी कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज DRSCs। तो लोकसभा की नियम समिति ने संसद में 17 विभागों से संबंधित अस्थायी समिति गठित करने की अनुशंसा की थी और इन्हीं के अनुशंसा के आधार पर 8 अप्रैल 1993 को 17 विभागों से संबंधित जो है अस्थायी समितियां गठित की गई और जुलाई 2004 में ऐसी 7 और समितियों के गठन हेतु नियमों में संशोधन किया गया और इस प्रकार जो है इसकी संख्या 17 से बढ़कर ये 4 जुड़ने के बाद 24 हो गई। लोकसभा के जो नियम हैं उस नियम के 268 के तहत प्रत्येक गठित समिति में जो है 31 से अधिक सदस्य नहीं होते और समिति के सदस्यों में से राज्यसभा से सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं 10 सदस्य और लोकसभा से अध्यक्ष द्वारा यानी कि स्पीकर द्वारा 21 सदस्य को जो है नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। और अस्थायी समितियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो संसद हेतु कार्यपालिका की अधिकतम जवाबदेही और विशेषतः वित्तीय जवाबदेही जो है मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार जो है ये सी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 और यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि संघ राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कथन सही है। तो संघ राज्य के वित्तीय संबंधों के संदर्भ में बताना है यहाँ पर। तो पहला कथन यहाँ पर ये पूछा गया है कि राज्य के स्वामित्व वाले निगमों तथा कंपनियों की संपत्ति या आय पर संघ द्वारा कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। सेंट्रल और स्टेट के बीच जो कराधान लगाने की शक्ति है उस पर जो है विचार हो रही है। तो पहला कथन जो है गलत है। राज्य के स्वामित्व वाले निगम या कंपनी की संपत्ति या आय पर संघ द्वारा जो है टैक्स अधिरोपित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, गलत है, किया जा सकता है और इसलिए जो है पहला कथन गलत है। तो यहाँ पर विकल्प ए गलत हो जाएंगे, विकल्प सी गलत हो जाएंगे। दूसरा कथन ये कह रहा है कि राज्य के भीतर संघ की संपूर्ण संपत्ति राज्य कराधान के अधीन होती है। राज्य के भीतर जो संपूर्ण संपत्ति होती है वो राज्य कराधान के अधीन होती है। तो यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प भी गलत है। तो विकल्प डी भी जो है इसका सही उत्तर होगा। संघ की संपत्ति को किसी राज्य या राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकरण जैसे कि नगरपालिका, जिला बोर्ड, उसके बाद पंचायत या अन्य द्वारा अधिरोपित सभी करों से जो है छूट प्रदान की गई है, किंतु संसद को इस प्रतिबंध को समाप्त करने का अधिकार है। संपत्ति शब्द में संपत्ति जो शब्द यूज होती है, इस संपत्ति शब्द में क्या क्या निहित है इसे समझिए। इसमें जो है भूमि, भवन, चल संपत्ति, उसके बाद शेयर, उसके बाद ऋण, मौद्रिक
मूल्य युक्त प्रत्येक मद और प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चल या अचल तथा मूर्त और अमूर्त सभी शामिल है। इसके अतिरिक्त संपत्ति को स्वतंत्र या वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। और इस प्रकार जो है कथन दो सही नहीं है, और कथन दो सही नहीं है तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर है कि न तो एक सही है और न तो दो सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है बिल्कुल सही है, और पहला कथन यदि सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प सी और विकल्प जो डी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही उत्तर चुनने के लिए बताया गया है। और दूसरा कथन ये कह रहा है कि वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है नहीं है, 6 राज्य हैं। जम्मू एंड कश्मीर से जो है धारा 370 की समाप्ति के पश्चात जो है जम्मू कश्मीर से जो है विधान परिषद ख़त्म हो गया है, और जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो गया है तो एक घटकर जो है अब 6 हो गया है। इस प्रकार जो है दूसरा कथन गलत है, और दूसरा कथन गलत है तो विकल्प बी जो है गलत हो जाएंगे। केवल एक जो है इसका सही उत्तर है, यानी केवल पहला कथन जो है इसमें सही है। और तीसरा कथन यह करा है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी सही नहीं है, तीसरा कथन भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या यथाशक्य निकटतम 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, और 1/3 भाग उस राज्य में नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों से मिलकर निर्वाचन मंडल द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है, और उसके बाद 1/12 भाग का निर्वाचन प्रशिक्षकों द्वारा और 1/12 भाग का निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो है यहाँ पर तीसरा विकल्प भी गलत है। ये जो है इसका सही उत्तर है कि केवल पहला जो है यानी कि विकल्प पहला कथन सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 और प्रश्न संख्या 87 यहाँ पर ये कह रहा है कि मतदान की आयु सीमा में कमी करने या वृद्धि करने के लिए अधिनियम को पारित किया जाना चाहिए। तो मतदान की सीमा में यदि कमी या वृद्धि करना हो तो क्या इसे संसद के बहुमत, साधारण बहुमत द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए, या संसद के विशेष बहुमत द्वारा, या विशेष बहुमत और आधे राज्य की सहमति द्वारा, या भारत निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा? तो इसमें जो है कौन सी प्रक्रिया जो है मतदान की आयु में वृद्धि या कमी करनी हो तो इस संदर्भ में जो है अपनाई जा सकती है। तो चूंकि मतदान करना जो है हम लोग का एक प्रकार से मूल अधिकार है, और इस प्रकार जो है इसमें यदि कमी और वृद्धि करना हो तो इसके लिए जो है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति की ज़रूरत होगी। आरंभ में जो है संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार जो कि कम से कम जो है 21 वर्ष का आयु हो इसके आधार पर किए था निर्धारित किया गया था। पहले 21 वर्ष था, हालांकि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा इसे कम कर दिया गया और इसे जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में अपनाया गया। अब जो है वह प्रत्येक व्यक्ति मतदान दे सकता है जिन्होंने अपनी आयु 18 वर्ष की पूरी कर ली हो, और यह जो है एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार है, एक प्रकार से जो है यह एक संवैधानिक अधिकार है। चूंकि यह अधिनियम अनुच्छेद 326 में संशोधन करता है और निर्वाचन की समरूपता को सुनिश्चित करता है, इसलिए ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाले विधेयक हेतु संसद के विशेष बहुमत, यानी कि ये जो सी विकल्प विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत से पारित जब हो जाती है तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति तक पहुंचने से पहले कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा जो है उसका अनुसमर्थन अपेक्षित होता है, और इसलिए जो है विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 और प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि ये महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में पाए जाने वाले विशेष रूप से, यानी कि वल्नरेबल की बात हो रही है, विशेष रूप से कमजोर जातीय समूह यानी कि PVTG की बात हो रही है,
में से एक है। इन्हें खैर की लकड़ी से कत्था यानी कि कैटिशू का गाढ़ा अर्क बनाने को अपने प्राचीन व्यवसाय के लिए जाना जाता है। हाल ही में इस जनजाति के लोग औषधि कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली गौण वन उपज जिसमें गिलोय शामिल है, गिलोय के विपणन में एक सफल उद्यम की स्थापना से संबंध होने के कारण चर्चा में रही। तो उपयुक्त जो गद्यांश ऊपर दिए गए हैं वो निम्नलिखित में से किस जनजाति का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चूंकि ये कत्था वाले जनजाति है और कत्था बनाते हैं तो ये कातकारी से संबंधित है और इस प्रकार जो है इसका आंसर डी होगा। भारत में गृह मंत्रालय ने जो है पीवीटीजी को वर्गीकृत किया है, होम मिनिस्ट्री ने, और उनके अनुसार जो है 75 पीवीटीजी जो है भारत में वो हैं और उसमें जो है ये कातकारी जनजाति भी जो है शामिल है। और इसके बाद जो है ये एक आदिम जनजाति है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये कातकारी जो जनजाति है आदिम जनजाति ही जो है पीवीटी में शामिल होते हैं और ये लोग जो है महाराष्ट्र में पुणे, रायगढ़ और ठाणे ज़िले में, यानी महाराष्ट्र के तीन ज़िले में पुणे, रायगढ़ और ठाणे ज़िले में, वहीं गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती हैं और ये खैर की लकड़ी से जो है कत्था का गाढ़ा अर्क बनाने के लिए अपने जो प्राचीन उनकी व्यवसाय है उनके लिए जो है प्रसिद्ध हैं। और उसके बाद बात करें तो इस प्रकार जो है कातकारी इसका जो है सही उत्तर है विकल्प डी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 और प्रश्न यहाँ पे ये कराए कि निम्नलिखित में से कौन से कारण द्विसदनीय विधायिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसमें जो है सही उत्तर चुनना है। तो यह जो है समाज के विभिन्न वर्गों के को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही बात है, द्विसदनीय विधायिका में जो है अलग अलग वर्ग से लोग आते हैं। जैसे बात करें तो उसमें जो है राज्यपाल उसमें नियुक्त करते हैं, जैसे संसद के मामले में बात करें तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों से, यानी जैसे राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। उसी प्रकार जो है इन चारों के अलावा सहकारी आंदोलन से लेकर विधान परिषद में शामिल होते हैं। तो यह पहला कथन जो है यहाँ पर सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि यह देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो ये भी बात सही है कि यह देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और इस प्रकार दूसरा कथन भी सही है और दूसरा कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प सी जो है गलत हो जाएगा। तीसरा कथन यह कह रहा है कि यह एक पुनरावलोकन निकाय के रूप में कार्य करती है तथा शक्ति के संभावित दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है। तो यह भी बात सही है कि यदि एक ही सिर्फ विधानसभा हो तो विधान जो है यहीं बन के पारित हो जाएगी, जबकि किसी राज्य में यदि विधान परिषद भी हो तो उस विधान को दूसरे परिषद में भी जाना पड़ता है और इस प्रकार जो है यह जो है शक्ति के संभावित दुरुपयोग को जो है प्रतिबंध करने का कार्य करती है। इस प्रकार तीसरा विकल्प भी सही है और इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वह विकल्प डी होगा। 1, 2, 3 सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 और यहाँ पर प्रश्न संख्या 90 ये कह रहा है कि संविधान के भाग 9 के तहत निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक यानी विवेकाधीन या वैकल्पिक, स्वैच्छिक में ये दोनों बातें शामिल है, विवेकाधीन या वैकल्पिक उपबंध शामिल है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके जो है इसमें सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर पहला कथन ये कह रहा है कि सांसदों और विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो पहला कथन जो है यहाँ पर सही है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जो है भाग 9 को जो है संकलित किया गया और यह जो भाग है यह अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक का जो है प्रावधान करता है पंचायत के संबंध में और संविधान के भाग 9 के तहत जो है स्वैच्छिक उपबंधों में शामिल है जिसमें दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल है और राज्य विधानमंडल जिसमें दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। इनके सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व प्रदान करना और इस प्रकार जो है पहला विकल्प सही है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन कह रहा है कि ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की सीटों पर
प्रत्यक्ष निर्वाचन जो कि यहाँ पर जो है दूसरा कथन जो है यहाँ पर गलत है। पंचायतों में किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों यानी सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों के लिए आरक्षण का प्रदान करना, और इस प्रकार जो है दूसरा कथन जो है गलत है। उसके बाद तीसरा कथन ये करा है कि पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध करना, तो तीसरा तो यहाँ पर सही है, तीसरा कथन जो है यहाँ पर सही है क्योंकि पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का भी ये उपबंध करता है, और इस प्रकार जो है तीसरा कथन सही है और तीसरा कथन सही है। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा। 1-3 सही है, 2 जो है यहाँ पर गलत है, और 2 गलत है, तो यहाँ पर तीनों विकल्प जो है गलत हो जाएंगे।